hello dear ICSE students so today i am present with the history and civics chapter and uh, i'll start with the civics the first chapter is our constitution the new syllabus or the revised syllabus of 2020 21 exam is given here it is the date of adaptation from the our constitution chapter the syllabus data of adaptation date of enforcement इट्स सिग्निफिकेंट फीचर्स एनी कॉन्स्टिट्यूशन के सिग्निफिकेंट फीचर्स कौन कौन से जिसमें पढ़ने में सिंगल सिटीजनशिप बहुत सारे सिग्निफिकेंट uh, फीचर्स हैं बट उनमें से हमें कौन कौन से पढ़ने हैं सिंगल सिटीजनशिप यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज राइट बस दो ही है देन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज डी पी एस पी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड वेलफेयर स्टेट अब इसमें शार्ट क्या किया गया है तो शार्ट यही किया गया है कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं इनके केवल आपको नेम्स पढ़ने हैं ठीक है जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके आपको ज़्यादा मीनिंग और डिटेलिंग में नहीं जाना है डीपीएसपी जो है इसकी भी आपको खाली मीनिंग पढ़नी है डीपीएसपी के जो भी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं आर्टिकल थर्टी सिक्स से फिफ्टी वन तक हैं वो आपको पहले डिटेल में पढ़ने होते थे अब आपको नहीं पढ़ने हैं ठीक है जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल ट्वेंटेल्व से लेकर के थर्टी फाइव तक थे वो सारे आपको पढ़ने होते थे अब नहीं पढ़ने हैं न्यू सिलेबस में वेलफेयर स्टेट बहुत सारी चीज़ें वेलफेयर स्टेट में जाननी थी आपको बट अब आप यहाँ पे केवल आपको मीनिंग जाननी है राइट तो ये सिलेबस आपका स्टार्ट किया गया है आ, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कितना पढ़ेंगे यहाँ से लेकर के डेट ऑफ एडाप्टसन से लेकर के और हम लोग पढ़ेंगे यहाँ तक यानी सिग्निफिकेंट फीचर्स तक जो आपके फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं डी वेलफेयर स्टेट ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको अवेलेबल हो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल का नोटिफिकेशन दबाना ये अपने लिए क्योंकि अब अगली वीडियो अपलोड होगी तो आपको वो इजिली मिल पाएगी अदरवाइज मिस हो सकती है राइट सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर से हाँ यहाँ पे जो हमने रेस क्या लिखा था डेट ऑफ एडेप्टन और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ये डेट मैं आपको अभी बता देता हूं बट यहाँ पे इतना ही नहीं है उसकी उक, उसका सिग्निफिकेंस भी जानना है कि इसका जो इक्टमेंट है और इन्फोर्समेंट है वो क्यों कैसा है इसके बारे में जानना है कि दो अलग अलग डेट्स क्यों हैं बट यहाँ पे हम डेट बताए देते हैं तो जो डेट ऑफ आप आपका एडाप्टेशन है ठीक है वो आपका था 26 सिक्स नवम्बर नाइनटीन ठीक है इस दिन इसको एडाप्ट किया गया था और इन्फोर्समेंट इसका हुआ था ट्वेंटी सिक्स जैन नाइन्टीन को जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं तो ये डेट आप दो अभी है अभी से जान लीजिए यहाँ पर राइट देन अब जो है आपका मेन चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो so, चैप्टर का नेम है आवर कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट वील नो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन सो इफ वी डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन वील राइट दैट इट इज सेट ऑफ रूल्स क्या है सेट ऑफ रूल्स है बाई विच कंट्री इज गवर्नड बाई विच अ कंट्री इज गवर्नड बट अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम इसकी डिफिनेशन जाने ठीक है या इसको थोड़ा और वाइडली ले लें तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट ओनली फॉर अ कंट्री रूल्स केवल कंट्री के लिए ही नहीं जरूरी होते हैं दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एनी कम्युनिटी कम्युनिटी एनी सोसाइटी एनी ऑफिस मीन्स किसी भी इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए रूल्स की नीड होती है और वहाँ सब कहीं ये रूल्स रिटेन होते हैं ऐसे ही किसी कंट्री को भी चलाने के लिए रूल्स की जरूरत होती है और रूल्स वहाँ भी रिटेन होते हैं ठीक सो कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनेशन क्या होगा इट इज अ सेट ऑफ रूल्स बाई विच अ कंट्री इज गवर्नड अब आगे हम यहाँ पे और अगर इसमें डिटेलिंग यानी आपको अगर डिफिनेशन लिखनी है तो और आप आगे इसमें और क्या कर सकते हो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल रूल्स होते हैं फंडामेंटल रूल्स होते हैं जिनसे जिन फंडामेंटल रूल्स के थ्रू जो गवर्नमेंट है और उसके डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो ये इसका जो हॉरिजेंटली पावर डिस्ट्रीब्यूशन है पावर शेयरिंग है वो किन किन बॉडीज में है आपका लेजिस्लेटिव है यानी लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर है आपका देन एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशियरी है सो इन तीनों ये तीन अलग अलग बॉडीज हैं ठीक है और इनके आपस में राइट्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ना करें इसके लिए इनके क्या हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके रूल बता दिए हैं इनका जो जुरिस्डिक्शन है जुरिडिक्शन मतलब होता है कि एक वो एरिया जहाँ तक किसी कोई अपने उसका अधिकार होता है उसका राइट होता है तो सबका जुरिस्टिक्शन जो है वो अलग अलग क्रिएट कर दिया गया है ठीक है इसके अलावा सिटीजन्स को राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स को राइट्स हैं मीन्स अगर कोई गवर्नमेंट इलेक्ट होकर के पावर में आती है तो पावर में आने के बाद भी उसके राइट्स जो अनलिमिटेड नहीं है उसके राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड है वो रूल करेगा बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रूल करेगा वहाँ पे उसकी पावर से यानी चूँकि अब वो गवर्नमेंट पावर में आ चुकी है तो उसकी पावर से जो, जो हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को जो है उनको बचा के रखा जाएगा यानी जो फंडामेंटल आपके राइट्स हैं जैसे आपको राइट टू लिव है राइट टू स्पीच है राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये सारी चीज़ें जो आपकी हैं वो आपकी बचा करके रखी जाएंगी नहीं उस पर उनका कोई राइट नहीं होता है तो ये सब कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में है राइट अब क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है इज़ देयर नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन की नीड इसीलिए पड़ती है कि कोई भी ऑफिस हो कोई भी चीज़ें हो वहाँ सब कहीं पे क्या होता है अलग अलग लोगों की जो डिज़ायर्स होती हैं उनके जो एक्सपीरियंस होती हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और उसकी वजह से स्ट्रगल हो सकता है तो उनके कॉन्फ्लिक्ट हो इसलिए कुछ रूल्स सेट कर दिए गए हैं कि भाई आप यहाँ तक वर्क करो आपका एरिया यहाँ तक है दोनों लोग आपस में टकराओ नहीं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं रोड रूल्स से ठीक है रोड रूल्स से एक हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे आ, अगर ये रूल ना बना हो कि लोग अपने लेफ्ट में चलेंगे लोग अपने लेफ्ट में चलेंगे और अगर किसी को ओवरटेक करना है तो राइट से ओवरटेक करेंगे अगर ये रूल ना बना हो तो आप बताओ अभी हमारा मन है हम लेफ्ट से चल रहे हैं आपका भी मन हो उधर से आ रहे हो आप भी लेफ्ट में चलो अगला भी लेफ्ट में चले जब जिसका मन हो तो राइट में चले क्या होगा एक्सीडेंट ठीक है तो अब इस, इस एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या किया गया है राइट से ठीक तो ये हर जगह पे हैं ये ऐसे राइट्स हर जगह पे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अलग अलग राइट हैं पुलिस है उसको बताया गया है कि आपको आपको इतने तक ही राइट्स है इसके आगे आपके राइट्स ख़त्म हो जाते हैं ठीक है तो इस तरीके से हाँ हम आपको जो है एक यहाँ पे और एक स्टोरी बता देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बेहतरीन है रूल्स ऑफ द रोड से ज्यादा हम लोग जो पढ़ते थे यूपी बोर्ड में एक स्टोरी है रूल्स ऑफ द रोड तो उसमें ये होता है जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया रात को बारह बजे आज़ादी मिलती है और सुबह मॉर्निंग एक जेंटलमैन जो होते हैं वो अपनी इस, स्टिक और स्पिन करते हुए राउंड करते हुए रोड पर निकलते हैं तो एक आदमी उनको रोकता है कि व्हाट आर यू डूइंग दिस तो वो कहते हैं कि आई एम फ्री टू डू व्हाट आई लाइक तो क्योंकि अब देश आज़ाद है तो जो नेक्स्ट पर्सन होता है नहीं जो पहले उसको रोका होता है वो कहता है कि योर फ्रीडम इंड्स वेयर माई नोज बिगिन मतलब आ, आपकी फ्रीडम वहीं पे इंड हो जाएगी जहां से मेरी नोज़ की स्टार्टिंग होती है मीन्स अगर आपका डंडा मेरी नोज़ पे लगता है तो फिर क्या होगा क्योंकि मेरी फ्रीडम ख़त्म कर रहे हो आप क्योंकि मुझे भी तो सेफ सेफ रहने का राइट्स है वो भी मुझे भी तो राइट्स मिले हुए हैं और वो मेरा राइट अगर ख़त्म होगा तो आपकी ये राइट ख़त्म हो जाएगी अब इसका मतलब क्या है कि रिटर्न राइट में लिखा गया है कि आपको स्टिक घुमाने की फ्रीडम कहाँ तक है जब तक आपकी ये फ्रीडम किसी दूसरे की फ्रीडम को रोकने न लगे तो ये सब कैसे हैं ये सब रिटर्न रूल्स के तहत हैं ठीक है तो ये एक एग्जाम्पल हो गया जिस एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है अब इसको फैक्ट uh, में देख लो नीड क्यों है तो गवर्नमेंट और उसके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस उसके जितने भी पार्ट्स uh, हैं जैसे अभी मैंने नाम लिया एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशियरी इन सबके जूरिस्टिशन कितना है क्या है कहाँ तक है ये लिमिट करने के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट्स होती हैं जैसे कि जिनके पार्ट्स होते हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो आपके सिलेबस में ये सब है भी चैप्टर में पढ़ना भी है तो उन सबके राइट्स हो जैसे अभी जब आप फेडरल सिस्टम में पढ़ोगे यानी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ोगे स्टेट में पढ़ोगे तो इनकी इनकी जो है जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है फिर स्टेट की लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट है तो इन सब में आपस में रूल्स को लेकर के कभी कन्फ्लिक्ट हो जाए इसलिए इन सबके अलग अलग रूल रखे गए हैं अदरवाइज वो उनके जुरिस्टिक्शन में जाकर के रूल्स बनाने लगे वो उनके जुरिस्टिक्शन में जाकर रूल्स बनाने लगे तो क्या होगा आपस में कंफ्लिक्ट हो जाएंगे तो इसलिए क्या है एक रिटर्न लॉ एक रिटन रूल्स जरूरी है तो एक ये हो गया दूसरा सिटीजन्स को राइट्स प्रोवाइड करने के लिए कि सिटीजन्स को पूरी तरीके से उनके राइट्स प्रोवाइड हो जाएं देन और क्या करता है ये करता है कि जो गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी पावर को लिमिटेड करता है ऐसा ना हो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है अब वो ये सोच ले कि अब तो फाइव ईयर हम कुछ भी कर सकते हैं नहीं कुछ भी नहीं कर सकते दे कैन रूल बट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन राइट और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम है कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की एस्पिरेशन और उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन अपनी खुद की एस्पिरेशन वो ये दिखाता है कि हाउ uh, आवर नेशन वुड बी हमारा राष्ट्र कैसा होगा हमारा नेशन कैसा होगा ठीक है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है आई होप कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है ये दोनों आंसर आपको मिल गए होंगे अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फ्रेमिंग कैसे हुई हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फ्रेम्ड तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसा कि इसका नेम है एक ऐसी असेंबली जिसका डिज़ाइन हुआ था केवल कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए नहीं जिस असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उसको क्या बोल देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बोलेंगे अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनती है तो आपका जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ से आपका आता है कैबिनेट मिशन जिसमें एक प्रपोजल होता है और वहाँ पे एक सिस्टम होता है कि किस तरीके से आपकी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनेगी और कैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करोगे इस उसमें ये सारे जो है रूल्स रिटर्न होते हैं उसमें जो कैबिनेट मिशन होते हैं इसके जो मेम्बर्स होते हैं वो आपके होते हैं सर पैथिक लॉरेंस सर स्टेफर्ड क्रिप्स एवी एलेक्जेंडर ठीक तो ये थी नेम्स आपको नेम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है और फिर ये यहाँ से उसमें होता है किस तरीके से आपको फ्रेम करना उसमें यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लोग हैं ठीक है ये इलेक्टेड होकर के आएंगे इलेक्टेड कहाँ कहाँ से होंगे जो प्रोविंशियल रियासत है प्रोविंसियल लेजिस्चर हैं कुछ वहाँ से इलेक्ट होंगे और कुछ जो देसी रियासतें हैं ठीक है वहाँ से इलेक्ट होकर के आएंगे तो यहाँ पे इलेक्शन होते हैं और 292 नाइन्टी टू प्लस नाइन्टी इक्वल टू तो थ्री एट्टी फाइव मेम्बर्स इलेक्ट होकर के यहाँ पर आते हैं कॉन्स्टि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में को फ्रेम करने के लिए दिल्ली के सेंट्रल हाल में इनकी पहली जो सिटिंग होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को इनकी सिटिंग होती है और यहाँ पे जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होते हैं डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वो बनाए जाते हैं इसके टेम्परेरी टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं देन जब इलेवन दिसंबर को नेक्स्ट मीटिंग होती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके परमानेंट मेंबर बनाए जाते हैं किसके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ये परमानेंट मेंबर बनाए जाते हैं और इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वर्किंग शुरू हो जाती है बट फिर क्या होता है आपको पता है कि जो है यहाँ पे जो मुस्लिम लीग होती है वो इस मीटिंग को बाईकाट करती है और डॉक्टर जिन्ना जो, और जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो डायरेक्ट एक्शन की मांग करते हैं और अलग नेशन की मांग करते हैं और जब सबको ये लगता है कि अब जो है ये बात बनेगी नहीं पार्टीशन होना पड़ेगा तो लॉर्ड माउंट बेटन आ करके जो इंडियन लीडर्स होते हैं उनको कन्विंस करते हैं कि भाई मान जाओ ये माने वाने का है नहीं एंड पार्टीशन इज़ मस्ट तो फिर पार्टीशन हो जाता है और फिफ्टीन अगस्त को जो है नाइनटीन फोर्टी सेवन को दो नेशन बन जाते हैं एक पाकिस्तान और एक इंडिया ठीक है और तब जब इसमें से जो मुस्लिम लीग वाले जो लोग होते हैं वो इसमें से बाहर निकल जाते हैं तो इसके बाद में आपके कुल जो मेंबर होते हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था वो कितने बाद में बचे थे टू राइट तो इस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का फॉर्मेशन होता है अब ये बात आ सकती है कि इसके जो है मेबर्स कौन से होते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बी एन राव के टी शाह कन्हैयालाल मंडिकलाल मुंशी सरोजनी नायडू पंडित विजय लक्ष्मी दुर्गाबाई देशमुख हुकुम देव सिंह बहुत सारे नेम हैं ठीक है तो बहुत सारे नेम मैंने गिना दिए तो ये सब इसमें जो है मेंबर्स होते हैं और बाकी टू नाइन्टी नाइन है और सब सब मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि कोई हल्का फुल्का हो सब अपने अपने फील्ड के बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले लोग थे बहुत ज़्यादा जानकारी रखते थे कोई एडिटर था कोई राइटर था कोई सोशल एक्टिविस्ट था कोई बहुत अच्छा पॉलिटिशियन था और सब बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सनस यहाँ पर थे और अच्छी बात ये यह थी यहाँ पे कि इसमें जो लोग थे तो वो अलग अलग कम्युनिटी को सबको रिप्रेजेंट कर रहे थे यानी ये ये अलग बात है कि यहाँ का जो इलेक्शन हुआ था उसमें वो जनरल इलेक्शन जैसा नहीं था पर्टिकुलर लोगों ने जाकर के वहाँ पे वोट नहीं किया था बट अगर इसमें ये कहा गया है कि अगर मतलब लोगों ने ही वोट किया होता अगर एडल्ट फ्रेंचाइज जैसा होता तो भी कोई ज़्यादा डिफरेंस होने वाला नहीं था इतना सिस्टमेटिक तरीके से ये असेंबली इलेक्शन हुआ था और वहाँ पर लोग पहुँचे थे इवन जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी इसमें थ्री सेक्ट ही डिवाइड किए गए थे हिंदू थे सिख थे और मुस्लिम थे बट जो आपकी जो कांग्रेस थी क्योंकि उसमें मेजॉरिटी वाली जो पार्टी थी वो कांग्रेस ही थी कांग्रेस ने अपनी पार्टी के अंदर भी ऐसा सिस्टम बना के रखा हुआ था कि उसमें एंग्लो एंग्लो इंडियंस जो थे उनको भी शेयर मिला हुआ था वो भी उसमें थे सिक्स थे क्रिश्चियन थे और यी यस्टी सबको वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बाकायदा मिला हुआ था इस तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो क्रिएट हुई थी और इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो भी लोग थे उनके दो तरीके के एक्सपिर एक्सपीरेशंस थे एक तो पहला था कि वो नेशनल इंटरेस्ट में भी डिवोटेड हैं यानी एक एक अच्छा नेशन अच्छा राष्ट्र वो बनता देखना चाहते हैं और दूसरी चीज़ ये भी थी कि वो जिस कम्युनिटी को जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके भी इंटरेस्ट को वो देखना चाहते हैं जस्ट दिस वॉज द एस्पिरेशन ऑफ दोज पर्सन ठीक तो इस तरीके से आपकी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसका फॉर्मेशन था अब जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी इसमें बहुत सारे अलग अलग जो हैं आपके कमेटीज़ बनाई गई थी जैसे फंडामेंटल राइट्स uh, की कमेटी एक अलग थी और इस तरीके से कई सारी कमेटीज बनी हुई थी ठीक है जैसे यूनियन पावर कमेटी है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट कमेटी थी जिसका नेम था ड्राफ्टिंग कमेटी क्या नेम था ड्राफ्टिंग कमेटी इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है ट्वेंटी नाइन अगस्त 1947 और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसमें सेवन मेंबर्स होते हैं ठीक है इनका काम ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना ठीक तो यहाँ से लोग जो है बेसिकली जो बी एन राव होते हैं इनको फॉरेन में भेजा जाता है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं अमेरिका जाते हैं कनाडा जाते हैं साउथ अफ्रीका जाते हैं इस तरह की कंट्रीज में ये जाते हैं आयरलैंड जाते हैं वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी बेस्ट थिंग्स हैं और वो क्या अप्लाई हो सकती है इंडिया में तो वहाँ जा कर के उसको रीड करते हैं फिर वो चीज़ें यहाँ पर आती हैं असेंबली में उसको रीड किए जाते हैं उस पर डिबेट्स होते हैं सारे डिबेट्स रिकॉर्डेड हैं उनको बाद में पब्लिश किया गया है जो ट्वेल्थ वॉलूम में पब्लिश है अभी भी दे आर बीइंग टेकन एज द डिफ्रेंस जब भी uh, ज़रूरत पड़ती है किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करने की कोर्ट को तो वो डिबेट्स वहाँ से लेकर के आते हैं जैसे uh, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना अभी हम फीचर्स में पढ़ेंगे ये वर्ल्ड का लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि इसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशन के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को सब एकदम से बता दिया गया है तो इसलिए इसको जो है यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इसको कहते हैं द पैराडाइज ऑफ एडवोकेट्स पैराडाइज ऑफ लायर्स वकीलों का स्वर्ग है क्योंकि उसमें इनको इतना कुछ डिबेट करने को मिलता है ना कुछ काम करने को मिल जाता है कि पूछिए मत तो वहाँ पर भी जैसे जब किसी चीज़ को लेकर के ज़्यादा कॉन्फिड्स क्रिएट होते हैं तो और किसी भी चीज़ की मीनिंग जो है वो इम्प्लीसिड हो जाती है तो वो डिबेट्स वहाँ से लाए जाते हैं कि ये जब ला उसमें डाला गया तो आखिर इसका मीनिंग क्या निकल रहा था इसका मतलब क्या था वहाँ से ठीक है तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का जो अपना संविधान है ना तो उसका जो बेसिक्स फीचर्स हैं उस बेसिक फीचर्स को इतने अमेंडमेंट्स के बाद भी इसी और इतने डिसीजीजन्स के बाद भी उसको मैंटेन रखा जाता है कभी भी जो है बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का खत्म नहीं हो पाता इसीलिए क्योंकि वो वहाँ पर सारे रिकॉर्ड है हाँ तो बात कर रहे थे कि वो ऐसा नहीं था कि वहां पे अच्छे थे इसलिए यहाँ भी अच्छे होंगे क्योंकि कोई भी रूल अच्छा है या बुरा है ये इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ की कम्युनिटी कैसी है वहाँ पर रहने वाले लोग किस तरीके हैं, किस नेचर के हैं जैसे मान लीजिए अब हमारे यहाँ आ, किसी कंट्री के कंट्री में रूल चल रहा है वहाँ पे मेजॉरिटी में कोई और रिलीजन है और या, हमारे यहाँ वो पर्टिकुलर रिलीजन माइनॉरिटीज़ में, में हो तो क्या वो ला सेम टू सेम यहाँ लागू कर सकते हैं नहीं लागू कर सकते हैं तो वहाँ का बेस्ट है इसलिए यहाँ का बेस्ट हो ऐसा नहीं है उस पर भी डिबेट किया गया ये चेक किया गया कि यहाँ पे बेस्ट है कि नहीं और इस तरीके से हम बात किस पर कर रहे हैं वर्किंग ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कैसे वर्क कर रही थी लॉ बनाने के लिए तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी और सेवन मेंबर्स थे यहाँ पे तो इनका ये काम था कि किस तरीके से लॉ को ड्राफ्ट करना है तो ये सब काम पूरी तरीके से होता रहा और फिर फोर नवंबर 1948 को ड्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार होकर के जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली था वहाँ पर लाया गया ठीक है और फिर उस पर लंबी चौड़ी डिबेट उसमें जो अमेंडमेंट्स थे ये सब शुरू हुए ठीक और फिर इसके बाद में 26 जैन 1949 को इसको क्या किया गया एडॉप्ट कर लिया गया राइट right. अब एडॉप्ट कर लिया गया बट इसका एनफोर्समेंट या इनएक्टमेंट उस डेट को नहीं हुआ इसका इनएक्टमेंट कब होता है सॉरी यहाँ पे जैन लिख गया है ये नवंबर होगा इसका इनएक्टमेंट जो होता है वो होता है आपका 26 जैन नाइनटीन फिफ्टी यानी जिस दिन हमारा जो कंट्री है इंडिया है वो क्या बनता है रिपब्लिक बनता है तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि आखिर ये इस डेट को जब कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल बन के तैयार हो गया था तो इसके इन्फोर्समेंट के लिए हमें इतना वेट क्यों करना पड़ा हाँ एक चीज़ हम यहाँ पर बता दें जो छूट गया है इस डेट को हमें यानी जब ये तैयार हुआ था तो जब से आपकी नाइन दिसंबर को सबसे पहली मीटिंग हुई थी यानी जब से काम शुरू हुआ था ठीक है तब से ये टू ईयर टू ईयर्स इलेवन मंथ्स एंड एट्टीन डेज लगे थे यानी कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनने में इतना टाइम लगा है ठीक है अप्रॉक्स इसको थ्री ईयर भी बोल सकते हैं ठीक है? बट याद रखो ऐसे भी टू ईयर इलेवन मंथ एटीन डेज कौन सी बड़ी बात है याद रखना चाहिए ठीक है तो अब हाँ बात ये आती है कि आखिर इस डेट को ही क्यों वेट क्यों किया गया इस डेट का तो 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया था पूर्ण स्वराज्य का ठीक और फिर वो ट्वेंटी सिक्स जैन नाइनटीन थर्टी को पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था तो उस डे को मेमोरेबल बनाने के लिए जो है यानी की जो डेट है मेमोरेबल बनाने के लिए इसी डेट को इसका इन्फोर्समेंट और इनेक्टमेंट किया गया था राइट टॉपिक आपका है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है ठीक है ये जब सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब तैयार हुई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था ठीक है उसको पढ़ा था और वही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ना उसी का नाम अब प्रीएम्बल है पहली चीज़ तो ये जान लो तो ऑब्जेक्टिव अब सोच लो कि नाम उसका क्या है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि वो ये दिखाता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स होंगे जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ प्रिपेयर करते हो तो आप कहते हो कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होगी ठीक है जैसे मान लीजिए किसी की मैरिज हो रही है तो आप कहते हो इस इस तरीके से होगी कोई सिस्टम है कोई घर बन रहा हो तो आप पहले कहते हो ये इस इस तरीके से होगा ठीक है यानी उसका ऑब्जेक्टिव्स कैसा होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव जो था वही बात में प्रीएम्बल है यानी ये ये दिखाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ क्या होंगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड कराएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके कंट्री को चाहता है ये सारी चीज़ें कहाँ पर आएंगी आपके प्रीएम्बल में आएंगी यानी ये एक तरीके से जो है हमारे नेशन के वैल्यूज को भी दिखाते हैं राइट right? ये एक हिसाब से एक फिलासफी भी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है राइट प्रीएम्बल ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिशॉल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू अवरीन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर आल इट सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थाट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्सिप इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड आप अपॉर्चुनिटी और फ्रेटर्निटी इसमें कुछ पार्ट मैंने जिसका जो जरूरी नहीं है वो मैंने नहीं लिखा है इसके बाद में फिर उसकी डेट लिखी है ऑन दिस डेट ट्वेंटी सिक्स 1949 नाइनटीन फोर्टी नाइन आगे पूरी डेट लिखी है तो आप पूरा जो प्रीएम्बल है वो रीड कर सकते हो ये मैंने लिखा है क्योंकि इसमें जो रेड कलर से जो चीज़ें हैं इसको डिफाइन करनी है मुझे और ये आपके जो सिलेबस है उसका पार्ट है राइट right? तो अब सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ठीक है वो कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन उसको कौन किसको दे रहा है हम लोग खुद यानी देश के लोग ही खुद को अपना कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन और किसी के द्वारा दिया गया नहीं यानी कोई फॉरेन पावर या कोई किंग या कोई एक पर्सन उसने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया है वो हमारी इंडिया की पीपल ने यानी हम लोगों ने खुद इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया हुआ है राइट अब आप कहोगे कि हम लोगों ने खुद कैसे फ्रेम किया था तो वहाँ पर जो लोग थे वो क्या थे वो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो वहाँ की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही तो कर रहे थे यानी वो पॉपुलेशन को जैसे आप इंडिया में देखो कि डेमोक्रेसी है यहाँ पे और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है आ, द रूल ऑफ द पीपल बाई द पीपल एंड फॉर द पीपल तो आप कहोगे कि आप जनता बैठ के एक दूसरे के ऊपर रूल करती है तो फिर पार्लियामेंट क्या है जो है मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट क्या है ये सारे लोग कौन हैं तो ये रिप्रेजेंटेटिवस हैं ये रिप्रेजेंटेटिव हम ही लोग तो भेजते हैं यानी इनडायरेक्टली रूल कौन कर रहा होता है हम ही लोग तो कर रहे होते हैं तो ये चीज़ यानी कि जो अल्टीमेट सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन है इसकी जनता है पब्लिक है पहली चीज हो गई तो हैविंग सोलिन रिसॉल टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू आवरीन सोवरिन का मतलब क्या होता है सवरीन का मतलब ये होता है कि हम अपने सारे डिसीजंस लेने के लिए मतलब इंडिया अपने सारे डिसीजंस लेने के लिए अपने आप में एबल है और फ्री है चाहे उसके इंटरनल मैटर्स में हो या एक्सटर्नल मैटर्स में हो कोई अदर कंट्री कोई अदर पावर उसको उसको डिक्टेट नहीं कर सकता है राइट right? तो ये हुआ सवरिन का मतलब ये सवेरेनिटी ही हमको जो ब्रिटिश कॉलोनीजम वहाँ से फ्री कर दिया यानी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद में हमें जो ब्रिटिशर्स है वो भी किसी तरीके की कोई भी हमको मतलब यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं ये सोवेरन का मतलब है देन सोशलिस्ट सोशलिस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इकोनॉमी है ठीक है उस पर पूरी सोसाइटी का राइट होगा जो इकोनॉमी रिसोर्सेज हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है वो समाज में सोसाइटी में इक्वली होगा और ये चीज़ रेगुलेट करेगा स्टेट स्टेट इस्टेटी रेगुलेट करेगा कि जो इकोनॉमिक इन है रिच और पुअर के बीच में उसको बहुत ही कम किया जा सके और आइडियल पॉइंट तो यही है कि उसको बराबर किया जा सके वो इनक्वलिटी मिटाई जा सके राइट देन वर्ड आता है सेकुलर सेकुलर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है सब लोग यहाँ के जो पीपल हैं वो किसी भी रिलीजन को मानने के लिए फ्री है वो किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को मानने के लिए किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए फ्री है बट जो स्टेट है उसका अपना कोई रिलीजन नहीं है वो खुद किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा अब एक्सेप्ट नहीं करेगा मतलब ये है जैसे स्टेट है उसका एक फ्लैग है ट्राइकुलर अपने इंडिया का ठीक है आ, उसके नेशनल एम्बल है उसका जो चिन्ह है ठीक ये सारी चीज़ें बट उसकी कोई उसका कोई रिलीजन नहीं है जैसे पाकिस्तान का एक रिलीजन है इस्लाम तो वो इस्लाम को प्रमोट करेगा वो वो किसी भी चीज़ कोई डिसीजन देगा तो इस्लाम को अपनी एक वो भी उसका बेस बनाएगा बट ये चीज़ है इंडिया में नहीं है स्टेट पावर जो है वो किसी भी रिलीजियस पावर से अपने को डिफ़र करती है राइट right. तो ये सेकुलर हो गया देन डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल यहाँ पे जो रूल है वो कौन करेगा जनता करेगी जनता का जनता पर शासन देन रिपब्लिक रिपब्लिक का मतलब ये होता है जो जो हेड होगा ठीक है जो स्टेट का हेड होगा वो इलेक्टेड होगा वो इलेक्टेड होगा वो हिरारकी से नहीं आएगा यानी किंग का बेटा किंग राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा अब आप कहोगे कि जब डेमोक्रेटिक में तो यही बात हो गई तो रिपब्लिक की बात क्यों आई तो ये चीज़ अलग से इसीलिए शायद जोड़नी पड़ी क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल ब्रिटेन का लेते हैं ठीक है तो ब्रिटेन में इलेक्शन होते हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी है ठीक है बट वहाँ का जो हेड होता है यानी जो वहाँ का मोनार्क होता है वहाँ की जो क्वीन होती है वो हेरिडिटी से ही आती है ठीक है वो वहाँ पे राजा का बेटा राजा होता है हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ही है उसको ज़्यादा पावर वहाँ पर नहीं है यही चीज़ अपने यहाँ भी रिपब्लिक में है जो अपने यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अथॉरिटी मिली हुई है बट प्रैक्टिकल में उनको उतनी ज़्यादा पावर नहीं है ये यह चीज़ यहाँ पर भी है बट स्टिल दे आर दी हेड ऑफ़ द स्टेट राइट तो यहाँ पर रिपब्लिक में क्या होता है जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है तो अपने यहाँ जो हेड ऑफ़ द स्टेट है उसका इलेक्शन होता है इलेक्शन कैसा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है यहां पे इलेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है जैसे यूएसए में देखोगे आप तो वहां उसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है तो, then, citizens, इसके को किया जाएगा क्या पहले चीज जस्टिस दी जाएगी जस्टिस किस चीज की सोशल जस्टिस जो सोशलिस्ट बनाएगा ठीक तो बात अभी हो गई थी क्या होता है देन अब इकोनॉमिक ठीक है इकोनॉमिक देन पॉलिटिकल अब इसमें देखो एक चीज आ जाएगी इसमें ये आ जाएगी जस्टिस जो आपको मिलनी है वो किसी भी रेस कास्ट रिलीजन जेंडर कलर इन सब से बियॉन्ड होगी मतलब इन स, ये इन सबको कभी भी ध्यान में नहीं रखा जाएगा जस्टिस इन सब से हट के दी जाएगी यानी कभी भी इस बेस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है राइट right, तो ये जस्टिस हो गई इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब यही है कि सबको अपॉर्चुनिटी है किसी भी ऑक्यूपेशन को एक्सेप्ट करने की कोई भी वर्क करने की सोशल uh, जो जस्टिस है इसमें आपकी जो अनटचेबिलिटी वगैरह होती है सब खत्म की जाती है जो वुमेन के राइट्स नहीं है उनको राइट्स दिए जाते हैं जो वुमेन को सबसे पहले जो रिप्रेस करके रखा जाता था वो यहाँ पे एंड किया जा रहा है पॉलिटिकल जो आपकी जस्टिस है उसमें यही है कि आपको वोट देने का राइट है और खुद इलेक्ट होने का राइट है आप किसी भी कास्ट जेंडर रिलीजन कलर कैसे भी हो कोई मतलब नहीं है आप पे देन लिबर्टी यानी आपको फ्रीडम है किस चीज़ की थॉट की एक्सप्रेशन की यानी आप कोई भी एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी बात कह सकते हो क्योंकि बहुत बड़ी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी हमारे यहाँ उसमें सबसे बड़ी हम लोगों को यही कमी थी कि हमें कोई भी अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं थी सो आप यू कैन एक्सप्रेस योर थाट्स फिर आप फेथ एंड वर्शिप वर्शिप जो है ये यहीं से आपका आया सेकुलर से कि आपको अपने फेथ अपनी वर्शिप का पूरा अब आप, आपकी लिबर्टी है यू मे एग्जिट एनी रिलीजन एंड यू मे एक्सेप्ट एनी अदर रिलीजन आप अपना जो रिलीजन है वो चेंज भी कर सकते हो धर्म परिवर्तन भी कर सकते हो जब जो चाहो जिस गॉड की चाहो पूजा करो आपको कोई भी अलग से ला या स्टेट आपके इस मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता है देन इक्वेलिटी यानी आपको इक्वल रखा जाएगा किसमें स्टेटस में और अपॉर्चुनिटी में यानी आपके लिए भी जैसे एक अमीर आदमी के लिए एक रिच एक पर्सन के लिए या एक जो पहले के अपर कास्ट है यानी किसी भी तरीके की जो है पहले जो प्रियॉर्टीज होती थी जो प्रिविलेज होते थे वो सारे खत्म है सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है देन बात आती है फ्रेटर्निटी की फ्रेटर्निटी की अगर हम मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब निकल कर गया है ब्रदरहुड ये बात इसलिए यहाँ पर आती है क्योंकि इंडिया जो है वो ये है कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी और यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटीज़ है कि एक्चुअली इसकी जो इंटीग्रिटी है एकता है यूनिटी जो है उसको कुछ थ्रेड्स रहते हैं तो वो थ्रेट्स इसलिए हैं तो वो थ्रेट्स ना रहे इसी वजह से यहाँ के जो अलग अलग जो कल्चर के लोग रिलीजन के लोग लैंग्वेज के लोग ठीक है ये सब अलग अलग जो लोग हैं वो सब आपस में जो है वो ब्रदरहुड बना करके रखें एक दूसरे को समझें मॉरल्टी डेवलप करें तो वो फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना है राइट तो ये क्या है ये ऑब्जेक्टिव्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यहां पर ये दिखा देता है कि पूरा का पूरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होने वाला है ये ये पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की यह फिलोसफी यहां पर आ जाती है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको अलग से एक्सप्लेन किया गया है राइट तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है देन अब जो हमारा यहां पर लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का वो ये है कि फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स क्या है उसकी खासियत क्या है तो सबसे पहला ये है इसका रिटर्न एंड लेंदी डॉक्यूमेंट लेंदी कहो या इसको लेंदीएस्ट कहो लेंदीएस्ट डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अपने यहाँ का रिटर्न है ठीक अब रिटर्न इसीलिए कि कहीं के कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे भी जो रिटर्न नहीं है जैसे आप ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन लोगे तो रिटर्न नहीं है तो यहाँ का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है लेंदीएस्ट है क्योंकि यहाँ पे सारे जो लॉज हैं रेगुलेशन है वो बाकायदा डिफाइन किए गए अभी मैंने कहा था इसीलिए इसको पैराडाइज ऑफ लायर्स बोला जाता है सब डिफाइन किए गए हैं ठीक है तो पहली चीज़ तो ये हो गई इसकी पहली खासियत सेकेंड जो इसकी खासियत वह है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यहाँ पे जो रूल ऑफ दीपल बाई दीपल फॉर द पीपल है वो एक्चुअली इतनी बड़ी जो है जो पॉपुलेशन है वो इस तरह रूल अपने ऊपर इस तरह तो कर तो सकती नहीं कि कलेक्ट होकर कोई डिसीजन है सब तो उनके रिप्रजेंटेटिव जाते हैं और क्या बनाते हैं पार्लियामेंट बनाते हैं तो पार्लियामेंट है उसका सारा सिस्टम है ठीक तो इस तरीके से पार्लियामेंट हो गया देन फेडरल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट विथ यूनिटेरी स्प्रिट ये बहुत ही यूनिक फीचर है फेडरल मतलब ये होता है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर देना इसलिए कि डाइवर्सिटी मेंटेन रहे जैसे कि यहाँ पे दो तरीके से बेसिकली किया जा सकता है अपने इंडिया में सेंट्रल हो गया स्टेट हो सेंटर हो गया स्टेट हो गया और फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गई तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अब इनके बीच में क्या होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सेंट्रल जो है तो वो नेशनल इंटरेस्ट के मैटर पे कानून बनाएगी और वो वो जो है उसके लाज जो होंगे पूरी कंट्री के लिए होंगे बट स्टेट का जो काम होगा वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए होगा ये इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग स्टेट में रहने वाले लोगों की अलग अलग तरीके की नीड और एक्सपीरेशन होते हैं तो ये यहाँ पे बनाए जाने का जो प्रॉफिट होगा ये होगा कि यहाँ के जो लोग हैं वहाँ उनकी जो कुछ स्पेशल एक्पीशन है उनको भी ध्यान में रखा जाए वो डाइवर्सिटी मेंटेन रखी जाए ठीक है और इसके बाद में फिर आ, जो लास्ट स्टेज है वहां पे लोग खुद भी जान पाए कि किस तरीके से रूलिंग होती है तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को यहां पे रखा जाता है तो ये सिस्टम फेडरल होता है ठीक है बट यहां पे जो है ज्यादा जो ये तो बाद का कॉन्सेप्ट है आपका जान लो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला जो है बेसिकली जो होता है जनरली वो यही दो होते हैं ठीक तो यूनिटेरियन इसलिए रखा गया है कि जैसे अगर आप एग्जाम्पल अमेरिका का ले लो तो वहां पर क्या है कि वहां पे जो स्टेट्स हैं ठीक वो इस तरीके से हैं कि वो जब चाहे तो वो फ्री भी हो सकते हैं उनको इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन राइट है बट अपने यहाँ ये यह नहीं है कोई भी स्टेट अलग फ्री होकर के नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ की यहाँ की स्प्रिट जो है वो यूनिटेरी स्प्रिट है अगर कुछ ऐसा होने लगे किसी स्टेट में तो फिर उस स्टेट के राइट्स खत्म कर दिए जाएंगे वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा और वहाँ पे गवर्न करेगी कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न गौ करेगी और इसीलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल का सिस्टम है और कई सारे ऐसे जो है इसमें रूल्स uh, हैं कई सारे इस तरीके से हैं कि वहां पे जो उसका स्पिरिट है वो यूनिटेरी ही है इसीलिए यहाँ पे जो बेसिकली जो इंडिया uh, है उसको फेडरल ना बोल के कई बार यूनियन बोलते हैं और कॉन्स्टिट्यूश कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए यूनियन ही लिखा गया है फेडरल वर्ड नहीं लिखा गया है तो ये क्या हो गया देन आपके सिंगल सिटीजनशिप अब फेडरल में जो यूनिटेरी स्प्रिट की बात आई ना उसके यही है अमेरिका में जो है वहाँ पे क्या है किसी भी पर्सन की दो सिटीजनशिप होती है एक तो उस पर्टिकुलर स्टेट का सिटीजन होता है देन कंट्री का सिटीज़न होता है जैसे अगर कोई व्यक्ति टेक्सास में रह रहा है तो एक तो टेक्सास का सिटीज़न है देन वो अमेरिका का सिटीज़न है बट अपने यहाँ क्या है अगर आप यूपी में रह रहे हो तो आप यूपी सिटीजन सिटीजन के सिटीज़न नहीं हो आप सिटीज़न केवल इंडिया के हो यूपी की आपकी कोई सिटीजनशिप नहीं है आप जहाँ चाहो जिस स्टेट पर चाहो वहाँ जा के रहो ठीक है इस चीज की आपके ऊपर कोई नहीं जम्मू कश्मीर में था कि आप वहां के परमानेंट रेसिडेंट नहीं हो सकते अब आप वहां भी रह सकते हो जाओ वहां भी लैंड परचेस करो घर बना लो रहो राइट तो इस तरीके से यहां पे सिंगल सिटीजनशिप है देन आपका है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इस राइट के लिए दुनिया भर में बहुत सारी रिवोल्यूशन हुई ठीक है इसका मतलब ये होता है कि यहां पे एट्टीन प्लस जो सिटीजन्स हैं उनको वोट देने का राइट right है ठीक है अपार्ट फ्राम देयर कास्ट रिलीजन जेंडर कलर इन सबसे अलग है इन सब का कोई मतलब नहीं है कोई भी वोट कर सकता है पहले ट्वेंटी वन ईयर्स थी ठीक है इसके बाद में जो है इसको कम करके एट्टीन ईयर कर दिया गया तो ये क्या है फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तो आई होप आपको ये समझ में आया है नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर हो तो मैंने कहा था कि जो इसके बाद में फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ बचे हुए हैं डी है और वेलफेयर स्टेट है इसको लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जल्दी से जल्दी प्रेजेंट होंगे और आप लोग भी यहाँ पे जो है हेल्प करिए वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो पहुँचेगा तो फ्री नॉलेज है सबको मिलेगी अच्छा ही रहेगा ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू